जिसमें लर्निंग एटीट्यूड होगा वो हमेशा सबसे, अपने से ऊपर वालों से भी और अपने से नीचे वालों से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को। खुद गलती भी कर देगा, यानी कि अगर अपने से जो नीचे जो लोग हैं कंपनी में उनको कभी गलत तरीके से बात करी तो उसको खुद को रियलाइज होगा कि नहीं, मैंने ये गलत किया, क्योंकि वो सीख रहा है, वो अपनी ईगो में नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। किसी पियोन से भी गलत तरीके से बात करी, क्योंकि उसका लर्निंग एटीट्यूड है, तो उसको इमीडिएटली रियलाइज होगा कि मैंने कुछ गलत किया है, वो जा करके बैठ करके अपनी उस गलती को सुधार लेगा। तो ऐसे लोग सबको अच्छे लगेंगे जो गलती करते हैं और अपनी गलती को सुधार लेते हैं। गलतियां तो सभी करते हैं ना। हाँ सर, हमें रियलाइज हो जाता है कि हमारी मिस्टेक है, पर सर माफी मांगने में कभी कभी शर्म आ रही होती है कि मतलब लगता है कि यार नहीं, थोड़ा सा लगता है कि ईगो आ रही है बीच में। आप किसी से माफी मांग रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं जाकर के माफी मांग रही हूँ, ये सोचो कि मैं माफी मांगना सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग हाउ टू जेन्युइनली आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। इसकी शादी होगी उसके बाद तो बहुत जरूरत पड़ेगी कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आराम से जा करके बैठ करके उस बंदे से बात भी कर लोगे तो बहुत है, वो माफी ही है। धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में इन बातों को उतार दिया तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देन लाइफ विल बी लाइक एन एडवेंचर, एडवेंचर स्पोर्ट्स। सबको पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स, कोई ऐसा है जिसको नहीं पसंद है? मजा आता है ना। हाँ, हर एक का लेवल अलग अलग है। किसी के लिए एडवेंचर मतलब वो ऊंच नीच का पापड़ा या स्टेपू, किसी के लिए बंजी जंपिंग, डेफिनेशन अलग अलग है, बट एडवेंचर सबको अच्छा लगता है, खेल सबको अच्छा लगता है। लाइफ को मजेदार बनाओ, डर को निकाल दो, बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दो, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। करने दो ना, वो तो मेरे भी करते हैं। बस फर्क ये है, पहले नेगेटिवली कंपेयर करते थे कुछ कर ले कुछ कर ले, अब पॉजिटिवली कंपेयर करते हैं कि मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है। मैं दोनों में मस्त रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब कोई आता है तो उसके आगे मेरी डींगे मारते रहते हैं, अरे संदीप तो अब ये हो गया है, वो हो गया। मेरे लिए दोनों फन है, मुझे ना तब फर्क पड़ता था ना अभी फर्क पड़ता है। इट्स नॉट मेक एनी डिफरेंस, मुझे सिर्फ सीखने पे फोकस रखना है। सीखने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में और जिंदगी बहुत छोटी है। लोग मुझसे पूछते हैं सर हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी करो, आप क्या परफेक्ट हो? क्या किया आपने अभी अपनी लाइफ में? सोचने वाली बात, आपने अभी किया ही क्या है, है कि नहीं? अब मुझसे पूछोगे कि भाई आपके लिए करने के लिए क्या है, तो मुझे फिर भी एक बार को सोचना पड़ेगा। मैं कहूँगा हाँ मैंने ये सब तो कर लिया, अब क्या रह गया करने को? तो फिर भी मैं सोच करके आपको बोलूँगा कि हाँ ये 50 चीज़ें रहेंगी। आपके पास तो लाखों चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ करते रहो।